अस्सलामुअलैकुम मेरे सभी परदेसी भाइयों, अगर आप नए नए सऊदी अरेबिया में आ गए हैं काम के लिए, चाहे जो भी काम हो, ड्राइविंग में आए हो, कंपनी में आए हो, हाउस ड्राइविंग में आए हो, जहाँ कहाँ जो भी हो, आप नए नए आए हो, तो सबसे पहली बात आप अपना खर्चा कम करिए। जिसको सिगरेट की आदत है सिगरेट छोड़ दो, तंबाकू खाने की आदत है तंबाकू छोड़ दो, क्योंकि ये है ना, बहुत पैसे बर्बाद कर देते अपने। आप एक मकसद बनाकर आइए कि जैसे आप आ रहे हो आप पूरी गंदी आदत अपनी छोड़ दोगे। आप सिगरेट छोड़ दोगे, जिसको गुटखा खाने के शौक है गुटखा छोड़ देंगे, तंबाकू खाना है तंबाकू छोड़ दोगे। जैसे अपने गांव में वो छूटता नहीं है, सिगरेट पीने वाले सिगरेट नहीं छोड़ते हैं, तंबाकू खाने वाले का तंबाकू नहीं छोड़ता है, तो यहाँ आने में आपको एक उम्मीद मिल जाती है, एक आसान तरीका मिल जाता है छोड़ने का। आप एक मन बनाकर आइए यहाँ पे छोड़ाने के लिए तंबाकू, क्योंकि देखिए एक तंबाकू का पैकेट आप लेने जाओ 20 25 30 रियाल का होता है। आप 10 दिन यूज करते हो, एक महीने में कितने लगेंगे? 100 रियाल के 2000 होते हैं इंडिया के। अगर आप 10 दिन में 100 रियाल भी हो 3000 रुपये महीने का खर्चा कर रहे हैं। सिगरेट के पैकेट 20 रियाल 25 रियाल की है, तो आप ऐसे गंदी आदतें सब कुछ छोड़ दो, यही मौका है यहाँ आने का। दूसरी बात, अगर आप हाउस ड्राइविंग में आए हो तो आप आपकी इनकम दूसरी आप अलग जगह से भी पैसे कमा सकते हो, जैसे कि यहाँ बहुत लोग करते हैं, मेरे खुद दोस्त लोग करते हैं। जैसे उनकी तनख्वाह 1700 2000 है, वो लोग आजू बाजू जिसके घर पर ड्राइवर नहीं है वहाँ से काम पकड़ लेते हैं। जैसे कि उनकी गाड़ियाँ, दो गाड़ियाँ हो गई, गाड़ियाँ धोना, दो गाड़ियों के 300 रियाल लेते हैं, घर धोना, वो सब मिला के 500 रियाल लेते हैं। एक घर हफ्ते में एक बार घर धो देते हैं, बस पानी डाल के खींचना है, और दो गाड़ियाँ धो देते हैं, 500 रियाल उनके हो जाते हैं। ऐसे अगर दो घर मिल जाए तुमको तो 1000 रियाल आपका वहीं से हो जाएगा इनकम। तो आपकी तनख्वाह अगर 1700 भी है तो आपकी 2700 हो जाएगी। 2700 मतलब महीने का तकरीबन आपको 60,000 रुपये तो आपकी कमाई हो जाएगी। इतना तो आप इंडिया में भी नहीं कमा सकते ड्राइविंग करके। मैंने इंडिया में भी ड्राइविंग किया था, बहुत बीजापुर जाता था, फिर भी उतनी कमाई नहीं थी। रात भर जागो, खाना टाइम पर खाना नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी इनकम कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जैसे आपकी सैलरी आती है घर पे उतना ही पैसा भेजो जितनी ज़रूरत है, ज़रूरत से ज़्यादा बिल्कुल पैसा ना भेजे, वरना आप जितने भी पैसे भेजोगे वो ख़त्म होते जाएंगे। फिर जब आपका छुट्टी का वक्त आएगा तो आपको बहुत परेशानी होगी, वहाँ जाने पर भी आपके पास पैसे नहीं है, और यहाँ से जाने के वक्त आपके पास सैलरी, एक महीने की जो सैलरी है वही हाथ में होगी, वो भी आपके दो महीने तीन महीने की छुट्टी लगेगी, वो भी वहीं ख़त्म हो जाएगी, फिर आप परेशान हो जाओगे। सबसे पहली बात, जितना आपको वहाँ पे खर्चा है उतना ही पैसा भेजो, बाकी का आप अपने बैंक में सेविंग रखो। अगर आप 20,000 भी अगर अपने बैंक में सेविंग रखते हैं तो आपके एक साल के हो जाते हैं, दो साल के हो जाते हैं 3 लाख रुपए। एक महीने के हो जाते हैं 1.5 लाख रुपए। तो ऐसे ही आप अपना जितना भी पैसे है, ज़रूरत है उतने ही पैसे भेजो और बाकी के अपने बैंक में रखो। उम्मीद किसी से मत लगाना वहाँ पे, हाँ कि हाँ ये लोग खर्चा जितना चाहिए खर्चा करेंगे बाकी रखेंगे, नहीं, कोई भी पैसा नहीं रखता है वहाँ पे। वो सोचेंगे हाँ ये मेरा भाई, मेरा पति, मेरा जो भी वहाँ पे बहुत पैसे कमा रहा है, हम लोग यहाँ ऐश करेंगे, उनकी सोच वैसी ही होती है। लेकिन हम लोग यहाँ बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं, तो जितना वहाँ ज़रूरत हो उतना ही पैसा भेजो, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी पैसा ना भेजना। अब जो नए नए आते हैं उनको तकलीफ़ होती है, यहाँ पे नया देश होता है, नए लोग और कुछ रास्ता नहीं, वो सब कुछ एक महीने के अंदर दो महीने के अंदर आपको रास्ते भी पता चल जाएंगे, लोगों की पहचान भी हो जाएगी, डरना नहीं है।
अब जो लोग हाउस ड्राइविंग में आते हैं, बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि हाँ तकलीफ होती है, ये होती है। तकलीफ इसलिए होती है ताकि हम लोग अपने दिमाग में तकलीफ बना लेते हैं, वरना तकलीफ नहीं होती है। मैं भी जब सऊदी अरब में पहले बार आया था, तब दमाम में आया था, फर्स्ट टाइम ड्राइविंग, हाउस ड्राइविंग में आया था, तब मुझे कुछ भी पता नहीं था। तो मुझे वहाँ इतनी तकलीफ थी, सुबह उठो, मदरसा जाओ, फिर आओ, गाड़ियाँ सफाई करो, घर सफाई करो। पहले बार था मेरा, फर्स्ट टाइम सऊदी में, मुझे नहीं पता था इतना। मुझे एक आदमी ने वीज़ा दी थी कि सऊदी में ड्राइविंग करना है, मुझे लगा कोई अच्छा ड्राइविंग, बस ड्राइविंग करना है उतना और कुछ नहीं, बाकी कुछ नहीं। तो वहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि ये सब कुछ करना है। टाइम पर आप खाना भी नहीं खा सकते हो, टाइम पर नहा नहीं सकते हो, जब भी आप बाथरूम में जाओ शगल से यारा फ़ोन आ जाता है। सुने होंगे बहुत बार लोग बोलते हैं, हाँ सही बात है। फिर भी मैंने 2 साल वहाँ निकाले, क्योंकि मैंने पैसे लगा कर आया था तो मुझे पैसे बर्बाद नहीं करने थे। तकलीफ निकाली, फिर मैंने वो काम छोड़ दिया। छोड़ा उसके बाद मैं चला गया कतर। कतर में गया, वहाँ भी उसने मुझे क्या कहा कि कंपनी की ड्राइविंग करना है। जैसे मैं गया, मेरा वीज़ा तो कंपनी का था, लेकिन वो कफिल ने मुझे अपने घर पे लगा दिया। फिर उनकी इतनी सारी बकरियाँ थी, ऊंट थे, मुझे वहाँ पर गाड़ी लेके वहाँ छोड़ दिया था कि वो बकरियों को, ऊंटों को खाना चाहिए, पानी चाहिए, जो भी चाहिए वो मुझे, मैं ला कर दे दूँ गाड़ी में। जो घास होते हैं ना, बड़े बड़े घास, मुझे गाड़ी दे दी, बस जाना वहाँ से खरीदना है, लोड करना है, लाकर इनको देना है, बस यही काम था। बहुत परेशान हो जाता था। और वहाँ जंगल में लाइट भी नहीं है, पानी भी नहीं है। पानी है तो टैंकर आता था और एक बड़ी सी टंकी होती है, उसमें पानी डालता था। वो टंकी में तो इतना कीचड़ भरा होता था, वो पानी पीने का भी दिल नहीं करता था। होटल से खरीद कर पीते थे पानी। ना एसी है, ना फैन है, जंगल में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है, बस ऐसे ही गुजारा करना है। वहाँ भी मैंने 1.5 साल तक निकाले। बहुत परेशानी, इतनी परेशानी हो गई कि पूछो मत। अगर आपको कोई अच्छा वीज़ा मिलता है, अच्छा घर मिलता है, तो आप बिल्कुल आइए, कोई बात नहीं, बिल्कुल आइए। सभी घर ऐसे नहीं होते, सभी लोग ऐसे नहीं होते, कुछ कुछ होते हैं बुरे घर। फिर उसके बाद आखिर में मैंने वो भी काम छोड़ दिया, इंडिया चला गया। इंडिया जाने के बाद बहुत सोचा, इंडिया में भी मुझे कुछ काम कुछ मिल रहे थे, लेकिन 15,000-20,000, इससे नहीं, इससे क्या होगा, इससे गुजारा नहीं होता है। फिर एक दोस्त ने मुझे वीज़ा दिया कंपनी का। मैंने कहा उसे, लास्ट टाइम भी मैंने कंपनी का ही वीज़ा में गया था, फिर ऐसा हो गया। उसने कहा कि नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा। फिर मैंने वो वीज़ा खरीद कर आया, अल्हम्दुलिल्लाह अब तो सही है। अब मेरा काम है बस, हम लोग कफिल जो है हमारा, वो कंस्ट्रक्शन का काम लेता है, जैसे रोड बनाने का, हाँ घर बनाने का। तो मुझे क्या होता है, कफिल के बहुत सारे क्रेन्स है, बुलडोज़र क्रेन्स है। तो मेरा काम यह है कि सुबह सुबह ड्राइवरों को लेके जाके मैं उनको छोड़ता हूँ अपने अपने लोकेशन पे, जहाँ काम चल रहा है वहाँ पर छोड़ देता हूँ। फिर जिनका डीजल ख़त्म हुआ वो मुझे फ़ोन करते हैं, उनको छोड़ के मैं अपने रूम में चला जाता हूँ, अपना खाना बनाया, नहाया, फ्रेश हुआ, आराम से सो गया। अगर डीजल ख़त्म हो गया वो मुझे फ़ोन करते हैं कि मेरे इसमें क्रेन में डीजल कम है, थोड़ा आके डाल दो। फिर मैं जाता हूँ पेट्रोल स्टेशन, हमें एक बिल दिया जाता है, तो मैं वहाँ जाता हूँ, वहाँ से 60-70 लीटर में डीजल लेता हूँ, जाकर उसको देता हूँ, वो अपने गाड़ी में डाल देता है, खाली डिब्बे में अपने गाड़ी में रखता हूँ, फिर आ जाता हूँ। फिर किसी ने मुझे फ़ोन किया कि मेरा ख़त्म हो गया डीजल, फिर वहाँ जाके सेम प्रोसेस करता हूँ, बस ये मेरा काम है। फिर शाम हो गई, सभी ड्राइवरों को लेके आता हूँ, अपने अपने रूम में छोड़ देता हूँ, बस ये काम है। अभी सैलरी भी मेरी हो गई है, उस टाइम मेरी फर्स्ट टाइम जब दमाम में आया था तब 1500 थी, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे 2700 देते हैं, और ऊपर से मुझे कमीशन भी है हर जगह से। सब मिला के मेरे को 3,000-3,500 रुपये सैलरी बन जाती है महीने को। तो मेरा कहने का मकसद यही था, आप जितने भी सैलरी पे आए हो, कम सैलरी में आए हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि आजू बाजू आपको काम कहीं मिले। आजू बाजू जो काम मिलेगा आपको, 500 का भी मिलेगा तो बहुत हो गया, धीरे धीरे फिर मिल जाएगा आगे और भी। तकलीफ़ तो सबको है, यहाँ आए हो तो चलो तकलीफ़ निकालो। दुनिया में सबको, जो अमीर लोग हैं उनको भी तकलीफ़ है, जो करोड़ों में कमाते हैं उनको भी तकलीफ़ है। हमारी तकलीफ़ तो उनके सामने कुछ नहीं है, लेकिन वो दिखाते नहीं है लोगों में,
ये अलग बात है। तो मेरा कहने का मतलब इतना ही है, आप आए हो, पैसे अपने पैसे जमा कर रखो, सेविंग करो, सेविंग बहुत ज़रूरी है। जैसे आप गल्फ में आते हो, सेविंग बहुत 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 ज़रूरी है। जितनी ज़रूरत है उतना ही पैसे भेजो, उससे ज़्यादा पैसे ना भेजो, जितनी ज़रूरत है उतने ही भेजो, बाकी सब अपने सेविंग्स में रखो। तब जाकर आपको लगेगा कि हाँ, मैं अपना देश छोड़कर बाहर कमाने गया था तो मैंने कुछ किया। वरना आप 10 साल 20 साल यहाँ काम करो, जाओ, फिर भी आपको कोई नहीं पूछेगा कि भाई हाँ, इतने साल सऊदी में दुबई में काम करके आया है फिर भी कंगाल हो गया है, ऐसे कहेंगे लोग आखिर में। तो बेहतर है आपको मैं पहले से ही बता दूँ, जैसे आप आते हो अपना सेविंग देखो, पैसे जमाओ, ठीक है? क्योंकि मेरा अभी अभी मेरा एक दोस्त ने का हाल मैंने देखा है, वो तो मैंने सोचा कि आपके सामने ये बता दूं उसकी हालत क्या हो गई। ये भी 3 साल हो गए, अब उसकी छुट्टी जाने का टाइम आया, उसकी जेब में एक पैसा नहीं है। वो मेरे से पैसा मांग रहा था, कह रहा था आकर देता हूँ। मुझे पता है जो जाते हैं उनके पैसे देना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि पता नहीं वो रिटर्न आएंगे नहीं आएंगे। फिर भी चलो, 1000 रियाल लेके जाएगा तो कौन सी बड़ी बात होगी, आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो कौन सी बड़ी बात है। वो बहुत रो रहा था, भाई इतने साल मैंने काम किया, अब मेरी जेब में एक पैसा नहीं है, कुछ लेके जाने के लिए पैसा नहीं है, सिर्फ सैलरी है, वो भी उससे अगर कुछ लूँगा, एक 500 के चॉकलेट लूँगा, 500 के कपड़े लूँगा, तो फिर मेरे जेब में वहाँ जाने के बाद एक पैसा नहीं है ताकि मैं कहीं घूम सकूँ या कुछ अच्छी चीज़ें लेके खरीद के घर पे रख सकूँ, कुछ भी नहीं है। तो सेविंग बहुत ज़रूरी है मेरे भाई, सेविंग करो, बहुत सेविंग करो। चलो।